यहाँ पे बताया है और उनका जो सादी भरा जीवन है उससे हमें प्रेरणा मिले, ऐसे काफी प्रसंग भी इस घटना इस लेसन में दिए हैं। पहले तो उनकी जो संदेह है ना वो व्यास है, अजीब लगता है ना व्यास, रविशंकर महाराज नाम ही हमने अभी तक सुना है, लेकिन रविशंकर व्यास तो आपको पता तो कि वो जन्म से ब्राह्मण थे और उनकी संदेह व्यास ही थी, लेकिन उनको महाराज करके इसलिए बुला देते क्योंकि उनका जो काम था ना वो लोगों के हृदय पर राज कर देते, लोगों के लोग इनके इतने कार्य किए इसलिए लोग उनको महाराज के नाम से जानते थे। बाकी महाराज तो कोई ऐसा होता है ना कि उसके पास बहुत सारा राजपाट हो, लोग उनकी सेवा करें, लोग उनकी सेवा में रहे, इस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही है, इन्होंने लोगों के किसी सत्ता पे नहीं पर लोगों के हृदय पे राज किया था इसलिए उनको रविशंकर महाराज के नाम से जानते थे। और मूक सेवक के नाम से भी जानते, मूक सेवक मुंगा सेवा करे, बोलना नहीं है कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, बिना बोले लोगों की सेवा करते, सिर्फ काम करके दिखाते थे, इसलिए उनको मूक सेवक के नाम से भी जानते थे। ये व्यास की संदेह थी, महाराज उनके कार्यों के कारण उनको जानते थे। और ऐसे महाराज का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1884 का महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन से रविशंकर महाराज को जन्म थे। इनका पिता नाम तो शिवराम भाई, माता पार्वती जी ने आरोग्य शिक्षण मारू जो हो खूब जाते जाए खाव जो खूब सारी आदतों के आरोग्य सारी आदतों के शिक्षण मिलेलो। और बचपन से ही उनके अंदर ये चीजें थी, उनका जो स्वभाव था ना एकदम साहसिक था, निडर था, डरते नहीं थे और किसी कोई भी काम वो छोटा बड़ा नहीं समझते, खेती के काम तो उनको बचपन से ही आ रहा था। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके काम करने की दिशा बदल गई, लेकिन गांधी तो यही बोलते थे कि रविशंकर महाराज की ना एक खूबी है कि उनको जो भी काम हो ना वो उसके अंदर अपनी जान डाल देते हैं, इसलिए उनका काम है ना वो और अच्छा निकल जाता है। और वो उन्होंने अपने यजमान ऋषि का जो काम था वो छोड़ के ब्राह्मण का काम है अपने यजमान के घर जाना और उनका जो काम है वो करके देना, लेकिन उन्होंने अपने यजमान वृत्ति छोड़ दी, विलायत के कपड़े छोड़ दिए, खादी के वस्त्र पहनते थे और राष्ट्र काम में लग गए। एक दिन राष्ट्र काम तो करते थे साथ साथ परेशान मत हो। और 8वें दिन 8 दिन तक महाराज ने खाना नहीं खाया ना पानी पिया,
ये तो चोरों की बात थी, लेकिन महाराज ने तो जो बाल रखे मतलब डाकू लोग आते ना उनको भी सुझा दिया था। लेकिन वो आ रहे थे रात को चिपियाल गांव से 1922 में, तो उन्होंने देखा कि सामने से डाकू आ रहे थे। डाकू लोग क्या करते, वो आपसे कुछ मांगते नहीं, वो सीधा छीन लेते। वो उसके बदले आपको मरना पड़े तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कान में पहने तो कान खींच लेंगे, गले में पहने तो गले से खींच लेंगे, इस तरह से होता था। तो इनको भी गांधी जी की सत्याग्रह की बातें उन्होंने बताई थी, वो आजादी की तरह आजादी के लिए किस तरह से लड़ रहे। तो चोर ने भी जो डाकू लोग थे उन्होंने अपनी डाकूगिरी छोड़ के इनके साथ आजादी की लड़त में लग गए। और किंतु उन्होंने जहां नदी किनारे जहां जहां पे डाकुओं का बसेरा था वहां जाके उन लोगों को सुधारने का काम कर दिया। इसलिए झवेरचंद मेघाणी है जो बहुत बड़े जाने माने हमारे गुजरात के कवि, उन्होंने इनको मान लिया जीवन धर्म।